हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन। अभी दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा कि आप पीएफ से रिलेटेड आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आपका एम्प्लॉयर आपकी कंपनी आपको परेशान कर रहा है, या आपकी कंपनी बंद हो चुकी है, या आप नौकरी छोड़ चुके हैं, आपका कंपनी आपका सबमिट DOC आपका सबमिट रिक्वेस्ट वेरीफाई नहीं कर रहा है, जैसे कि आपका KYC इशू है, वेरीफाई इशू है, पासबुक इशू है, PF ट्रांसफर इशू है, विड्रॉल इशू है, टेक्निकल इशू है, आपका क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है, आपकी कंपनी आपका PF अमाउंट नहीं जमा कर रही है। दोस्तों इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि आपका सीधा कंप्लेन PF ऑफिस में कैसे जाएगा, जिसके जरिए अपने प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको प्रोसेस समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों इससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरी नई वीडियो आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें और उसमें सर्च करें UAN ग्रीवेंस। सर्च करने पर इसी इंटरफेस में आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन रजिस्टर ग्रीवेंस, इस ऑप्शन को क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों यह PF डिपार्टमेंट का आधिकारिक वेबसाइट है। आप अपने PF अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को, समस्या को यहां पे कंप्लेन कर सकते हैं, जो सीधे PF डिपार्टमेंट में जाएगा। दोस्तों स्टेटस में यहां पे चार ऑप्शन दिया है, फर्स्ट PF मेंबर, सेकेंड EPS पेंशनर, थर्ड एम्प्लॉयर और फोर्थ अदर। आप इसमें जो भी हो, PF मेंबर हो, EPS पेंशनर हो, एम्प्लॉयर हो, अदर, दोस्तों हमारा PF अकाउंट का प्रॉब्लम है उसका कंप्लेन करना चाहते हैं, तो फर्स्ट PF मेंबर ऑप्शन को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। चलिए उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप पेंशनर हैं तो EPS पेंशनर को सिलेक्ट करके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें PF अकाउंट से कंप्लेन दर्ज करना है तो हम फर्स्ट PF मेंबर को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों आप देखेंगे कि आपके सामने दूसरा ऑप्शन खुल गया है, डू यू हैव ए क्लेम ID। अगर आप पहले से कंप्लेन कर चुके हैं, उसका निराकरण नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप यस करेंगे। अगर पहली कंप्लेन है तो आप यहाँ पे नो करके आगे बढ़ेंगे। नो करने के बाद हमारे सामने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN नंबर डालने का ऑप्शन आया है, और सेकंड सिक्योरिटी कोड। UAN नंबर डालने के बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे और गेट डिटेल पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि आपका UAN डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है, UAN नंबर, नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर। दोस्तों तो हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल ID पे, जो UAN और PF अकाउंट में रजिस्टर्ड है, उस पर OTP आएगा। वहाँ से आप OTP लेके यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हमारा OTP सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है, ओके पे क्लिक करेंगे। अब इस इंटरफेस में नीचे आएंगे, आपके यहाँ पर्सनल डिटेल्स शो कर रहा है, जेंडर और एड्रेस। आप अपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, मेल फीमेल। तो उसके बाद आपका, इसके बाद अपना एड्रेस एंटर कर लीजिए, PF मेंबर का एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, और नीचे आएंगे पिन कोड, और इंडिया का ऑप्शन कंट्री में ऐसे ही रहने दीजिए, और उसके नीचे आएंगे स्टेट। स्टेट पे क्लिक करके अपना स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, अब किसी स्टेट से हैं। इसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपको दूसरा मोबाइल नंबर पे एंटर करिए, नहीं हो तो छोड़ दीजिए। उसके बाद हम नीचे आएंगे सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे दिया हुआ सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ ग्रीवेंस डिटेल शो कर रहा है। यहाँ पे दो PF अकाउंट, दो मेंबर ID शो कर रहा है, इसमें से आप प्रेजेंट या लास्ट मेंबर ID को सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस इंटरफेस में आप देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है इंटर ग्रीवेंस डिटेल फॉर द PF नंबर, आपके PF नंबर शो कर रहा है, मतलब इसके खिलाफ आपको शिकायत दर्ज करना है। दोस्तों आप अपने UAN PF अकाउंट में करेक्शन के लिए कई बार रिक्वेस्ट डाले होंगे, पेंडिंग होगा या वेरीफाई नहीं हुआ होगा या कैंसिल हो गया होगा, जैसे नेम करेक्शन, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, बैंक करेक्शन, डेट ऑफ एग्जिट करेक्शन, फादर नेम चेंज। दोस्तों सबसे अधिक प्रॉब्लम कहाँ आता है, अगर आप छोटे कंपनी में काम करते हैं, प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या ठेके कंपनी में काम करते हैं, ऐसे व्यक्ति के PF अकाउंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि ठेके कंपनी में काम करने वाला आपका वेरीफाई नहीं कर पाता, उनको कुछ पता नहीं रहता है। और कहीं कहीं ये देखा गया किसी भी कंपनी में वो पैसे का डिमांड करते हैं और एम्प्लॉयर को बहुत परेशान करते हैं, उसका भी आप शिकायत यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों तो हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं चार ऑप्शन शो कर रहा है, ग्रीवेंस रिलेटेड टू PF ऑफिस, एम्प्लॉयर, EDLI और प्री पेंशन। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या शो कर रहा है। अगर आपका शिकायत PF ऑफिस के खिलाफ है तो फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे। चलिए दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं। अब इसमें देखेंगे आपके कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें कि आपके PF अकाउंट में किस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, किस प्रकार का समस्या आ रहा है, उस टाइप से आप यहाँ पे ऑप्शन चुन सकते हैं। पहला है फाइनल PF विड्रॉल, अगर आपको फाइनल PF विड्रॉल नहीं हो रहा तो फर्स्ट ऑप्शन को लें। दूसरा है नॉन ट्रांसफ़र ऑफ PF एमुलेशन, अगर आपका PF अकाउंट ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो ये सेकेंड ऑप्शन ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है पासबुक रिलेटेड इशू, इंक्लूडिंग अमाउंट नॉट शोइंग इन पासबुक, आपका पासबुक में कोई प्रॉब्लम है या बैलेंस शो नहीं कर रहा है तो आप इस ऑप्शन को ले सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है KYC रिलेटेड इशू, अगर आपका कोई प्रॉब्लम PF अकाउंट में KYC रिलेटेड है, आप इसको फोर्थ ऑप्शन में ले सकते हैं। फिफ्थ ऑप्शन तब लेंगे जब आप अकाउंट को मर्ज करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं और उसमें गलत पैसा ट्रांसफ़र हो जाए, तो फिफ्थ ऑप्शन को लीजिए। छठा नंबर है नॉन सेटलमेंट ऑफ PF एडवांस क्लेम, अगर आपका PF एडवांस में क्लेम करते हैं और नॉट सेटलमेंट आ रहा है तो आप इसको ऑप्शन को ले सकते हैं। सातवां UAN अकाउंट में लॉगिन नहीं हो रहा तो सातवां ले सकते हैं, इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है।
आठवां टेक्निकल इशू आ रहा है ऑनलाइन क्लेम करते समय, तो आप आठवां ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपको टीडीएस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो नौवां ले सकते हैं। दसवां ऑप्शन है मंग ऐप्स में अगर आपका अकाउंट काम नहीं कर रहा है तो दसवां ऑप्शन लें। विड्रॉल क्लेम के बाद आपके अकाउंट में पैसा नहीं आया, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आया तो आप ग्यारहवां ऑप्शन लें। पीएफ ऑफिस रिलेटेड कोई भी शिकायत है तो आप बारहवां ऑप्शन लें। पीएफ अकाउंट में फ्रॉड हुआ हो, आपका पैसा कोई और निकाल लिया हो तो आप तेरहवां ऑप्शन लें। चौदह नंबर है कोविड 19 एडवांस क्लेम में कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसको लें। पंद्रह नंबर है आपका क्लेम कई बार रिजेक्ट हो रहा है तो पंद्रह नंबर ऑप्शन लें। सोलह नंबर है संतुष्ट रेफरेंस। हम नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड ऑप्शन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को क्लिक करते हैं। इसमें देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन अगर आपकी कंपनी आपके पेमेंट से आपका पीएफ अमाउंट काट रहा है और जमा नहीं कर रहा है तो इस केस में फर्स्ट ऑप्शन लेंगे। दोस्तों सेकेंड ऑप्शन में अगर आपका कंपनी आपका एम्प्लॉयर आपका क्लेम फॉर्म वेरीफाई या फॉरवर्ड नहीं कर रहा है जो कि उसका कार्य है तो इस केस में आप सेकेंड ऑप्शन लेंगे। दोस्तों इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, आपकी कंप्लेन के अनुसार ऑप्शन को चुन सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है केवाईसी रिलेटेड इशू ऑफ एम्प्लॉयर, अगर आपका केवाईसी रिलेटेड इशू है कुछ कंपनी के द्वारा लास्ट ऑप्शन ले सकते हैं। दोस्तों अपने कंप्लेन के अनुसार पीएफ ऑफिस और एम्प्लॉयर ऑप्शन से ग्रीवेंस कैटेगरी या शिकायत कैटेगरी चुनकर नीचे आएंगे और डिस्क्रिप्शन में अपना शिकायत दर्ज करेंगे। दोस्तों इसमें जितना हो सके आप अपना डिटेल्स लिखिए। दोस्तों इसमें लिखना यह है कि आप कितना परेशान हो रहे हैं, आपको कितना प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, क्या क्या कर चुके हैं, आपके साथ जो भी घटना घटी है पीएफ से रिलेटेड आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि एक मेंबर आईडी में पैन नंबर और बैंक नंबर डिटेल्स सबमिट कर रहा हूँ लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो हमारी कंपनी एम्प्लॉयर है वो वेरीफाई नहीं कर रहा है और उसको मैं कई बार फ़ोन कर चुका हूँ लेकिन वही कोई रिस्पांस नहीं आ रहा उससे। दोस्तों इस टाइप से आप पूरा डिटेल लिखें, आपके साथ क्या क्या घटना घटी है, आप कौन परेशान कर रहे हैं, कितनी बार अप्लाई किए हैं, सब कुछ लिखें। दोस्तों मैं यहाँ पे अपना शॉर्ट में डिटेल दिया हूँ लेकिन आप पूरा डिटेल दें यहाँ पे लिखें। उसके बाद चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में अगर आपका केवाईसी रिलेटेड है तो अपना आधार कार्ड अपलोड करें या तो कंप्लेंट के अनुसार अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। दोस्तों याद रखें कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उस पर भी अपना कंप्लेन लिख दें। जैसे कि दोस्तों यह केवाईसी रिलेटेड ग्रीवेंस है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि आधार कार्ड पर मैं कैसे एप्लीकेशन बनाया हूँ। दोस्तों इस तरह अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए और उस पर पूरा डिटेल्स पूरा एप्लीकेशन लिख के तैयार कर लीजिए और इसको पीडीएफ फॉर्म में तैयार करिए। पीडीएफ फॉर्म में तैयार करने के बाद इसको अपलोड कर लीजिए, जो कि मैं यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। मैं अटैच पे क्लिक करके इसको अटैच करूँगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल यहाँ पे अटैच हो चुका है। इसके बाद हम ऐड पे क्लिक करेंगे और डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन में ऐड कर देंगे। हमारा ग्रीवेंस एप्लीकेशन यहाँ पे तैयार हो चुका है, अब हम सबमिट पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर देंगे। दोस्तों आपका ग्रीवेंस एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके ऑफिस का एड्रेस, पीएफ ऑफिस का एड्रेस, पीएफ ऑफिसर का नाम, डेट वगैरह यहाँ पे शो कर रहा है, इसको नोट करके रख लीजिए। या तो नीचे आएंगे होम और प्रिंट ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करके आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपके कंप्लेंट का जवाब 3 से 15 दिनों के बीच में आ जाएगा, अगर उसमें कुछ दोबारा पूछता है तो उसका रिप्लाई जरूर करें। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।